नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर बहुजन समाज पार्टी काफ़ी ज़्यादा सख्त है। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा बड़ा ऐलान किया है और पुलिस प्रशासन को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी ने क्या ऐलान किया है और पुलिस प्रशासन को क्या कुछ अब तक बड़ी सफलता हासिल हुई है और अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है सब बताएंगे। आप बने रहें इस वीडियो में आखिरी तक, इस वीडियो करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो आइए हम आपको पूरी तरह विस्तार समझाते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, लखीमपुर खीरी में अब से ठीक 24 घंटे पहले एक अमानवीय घटना घटित हुई। 6 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम तक पहुँचाया। 6 युवकों ने इस घटना को अंजाम तक पहुँचाया जो कि काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक घटना थी। इस घटना के बारे में जानकर तमाम लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी ट्वीट करके इस घटना को की निंदा की। मायावती ने भी ट्वीट कर इस घटना की निंदा की। तमाम विपक्ष के नेताओं ने इस घटना की निंदा की और अब बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया। पुलिस प्रशासन को एक बड़ी सफलता ये मिली है कि 24 घंटे में पुलिस प्रशासन ने इस केस को सुलझा दिया है। पुलिस प्रशासन ने जो भी आरोपी थे 6 उनको गिरफ्तार कर लिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ हो गया कि आरोपियों ने उस गले उनको लटकाया था और उनके साथ जो दुष्कर्म किया तमाम तरह की उन दो बहनों के साथ तमाम तरह की अमानवीय घटना की और घटनाओं को अंजाम तक पहुंचाया। पुलिस प्रशासन ने हालांकि पूरे 6 जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। आप 6 जो आरोपी उनकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हो गया है और गला दबाकर दोनों दलित बहनों की हत्या की का आरोप इन पर है। पुलिस प्रशासन ने पोस्टमार्टम में ये बड़ा खुलासा हुआ है। और अब ये बड़ी खबर ये आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता भीमराव अंबेडकर जी जो कि MLC हैं बहुजन समाज पार्टी से, भीमराव अंबेडकर MLC 15 तारीख को या 16 तारीख को लखीमपुर खीरी पहुँच रहे हैं। उनका जो लेटर है वो जारी हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। अब बहुजन समाज पार्टी के भीमराव अंबेडकर जी वहाँ पर पहुँच कर क्या कुछ घटना से जानकारी लेते हैं वो देखने को होगा। फिलहाल यही है कि जो भी आरोपी थे पुलिस प्रशासन ने उनको गिरफ्तार कर लिया और सरकार पीड़ित परिवार को एक बड़ी मदद देने की कोशिश करेगी और यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा ये केस और पीड़ित परिवार को सरकार एक बड़ी मदद देगी, आर्थिक मदद देगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा पुलिस प्रशासन ने जो भी 6 आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया, ये पुलिस प्रशासन ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कहा है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और जल्द से जल्द इस जो आरोपी उनको सजा दिलाएंगे और इस केस में लीपापोती बिल्कुल भी नहीं होगी। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय, आप अपनी राय कमेंट में दें। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम।